आपका हमारे YouTube चैनल JD डी कंप्यूटर में दोस्तों जैसे कि आपको पता है हम जब भी आती न्यू जानकारी के साथ आते हैं तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ उससे पहले दोस्तों यदि आपको हमारे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चलिए दोस्तों तो यहां पर बात करेंगे हम दोस्तों यहां पर सीएससी चाहे एम पी ऑनलाइन या फिर लोक सेवा केंद्र के अंतर्गत जी हाँ दोस्तों यहां पर हम आपको लेके आए हैं न्यू अपडेट जो कि आपको यहां पर मिलेगा संबंधित जो कि है आय प्रमाण पत्र से जाति प्रमाण पत्र से निवास प्रमाण पत्र से जी हाँ दोस्तों यहां पर चाहे आपका जन्म प्रमाण पत्र हो मृत्यु प्रमाण पत्र हो या फिर हो आपका ईडब्ल्यू एस प्रमाण पत्र इन सभी के लिए दोस्तों अब आपको किसी भी एम पी ऑनलाइन क्यो सेंटर पर या फिर आपको किसी भी लोक सेवा केंद्र पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है अब ये सारी चीजें आपके आपके घर बैठे, आपके घर बैठे आ जाएंगी स्पीड पोस्ट के माध्यम से कैसे आएंगी तो चले दोस्तों यहां पर जो न्यूज़ न्यूज़ है वो मैं आपको चेकआउट करा देता हूं यहां पर मैं आपको उसको पढ़ के बता देता हूं तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर कल की डेट का ही ये न्यूज है जिसमें दोस्तों दिया गया है अब स्पीड पोस्ट के जरिए घर बैठे मिलेंगे आय जाति मृत्यु मूल्यवास और प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सभी प्रमाण पत्र दोस्तों जैसे कि आय है जाति है निवास है मृत्यु प्रमाण पत्र है जन्म प्रमाण पत्र है ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको घर बैठे मिल जाएंगी तो साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगले हफ्ते से ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो जाएंगे बस दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ रहेगी आपको एक्स्ट्रा बीस रुपये लगेंगे जो कि आपको यहाँ पर स्पीड पोस्ट का अलग से पे करना होगा चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भोपाल की न्यूज़ है सभी एमपी में सभी जगह लागू हो चुकी है ये चीज़ हो जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखें अगले हफ्ते से आए मूल्यवासी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र घर बैठे मिल सकेंगे इसके लिए सिर्फ बीस रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा ये व्यवस्था अभी सिर्फ नगर निगम सीमा के भीतर लागू होगी स्पीड पोस्ट के जरिए प्रमाण पत्रों को घर तक पहुँचा जाएगा पहुँचाया जाएगा इसके लिए अधिकतम समय सीमा सात दिन तक तय की गई है चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे पूरी प्रक्रिया की तो हम जानेंगे कि पूरी प्रक्रिया क्या है आपको इससे संबंधित बनाने से संबंधित या बनवाने से संबंधित तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है सबसे सब पहले बात दोस्तों यहां पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है तो लोक सेवा प्रबंधन की जो साइट है एमपी इससे आवेदन कर सकेंगे पोर्टल पर जाकर आधार नंबर से लॉग करना होगा फिर मोबाइल नंबर और ओटीपी आएगा ओटीपी वेरीफाई होने के बाद फॉर्म भरने लिंक ओपन हो जाएगी ये चीज दोस्तों हम आपको बताएंगे आगे चल के जब जैसे इसकी जो लिंक है वो स्टार्ट होगी इसके बाद दोस्तों पर हम बात करेंगे बाकी में छोटी छोटी जानकारी के लिए जैसे कि क्या लोक सेवा केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकेंगे तो दोस्तों यहां पर दिया गया है ऑनलाइन व्यवस्था वैकल्पिक है तौर तो पर शुरू की जा रही है यदि कोई व्यक्ति ऑफलाइन आवेदन करना चाहता है तो यह यहाँ पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पे आपको जारी कर दिया गया है तो आप कहीं से भी बनवा सकते हैं यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से विभाग की सेवाएं इसमें मिल सकेंगी तो दोस्तों यहाँ पर 24 विभाग हैं 24 विभाग में 400 से ज़्यादा सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए साथ साथ सभी तरह के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था रहेगी तो दोस्तों चौबीस विभागों में चार जो आपकी सेवाएं रहेंगी वो 400 सेवाओं का आप यहां पर लाभ ले सकते हैं इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर दिया गया है जाति प्रमाण पत्र के लिए एक महीने की समय सीमा निर्धारित है तो क्या मुझे इससे पहले प्रमाण पत्र मिल सकेगा तो दोस्तों यहां पर दिया गया है जिस प्रमाण पत्र की जो समय सीमा निर्धारित है तो उसके लिए उतना समय देना होगा हाँ लेकिन ये आसानी जरूर होगी कि एक बार आवेदन करने के बाद ऑनलाइन आपके दस्तावेज अपलोड हो जाएंगे एक बार ऑनलाइन आप करेंगे तो आप इसको डिजिटल माध्यम में कभी भी कहीं से भी आप इसको प्रिंट निकाल सकते इसके साथ साथ यहां पर दिया गया है क्या खसरा खतौरी और नक्शा भी इस योजना में शामिल होगी तो लोक सेवा गारंटी योजना के तहत अब चार सेवाएं दी जा रही हैं। इसमें अलग अलग विभागों से मिलने वाले प्रमाण पत्र समेत खसरा खतौनी नक्शा भी शामिल रहेंगे तो दोस्तों ये भी आपके ऑनलाइन रहेंगे इसमें दिया गया है जो सबसे मेन है उसमें दिया क्या सिर्फ बीस रुपये एक्स्ट्रा चार्ज जमा करने के बाद कोई दूसरी फीस नहीं लगेगी तो शासन ने प्रमाण पत्र बनवाने की जो फीस तय की है वो देना पड़ेगी साथ ही बीस रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ऐसा नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर केवल बीस रुपये में आपका बन जाएगा जो चीज़ यहाँ पर आपकी फ्री रहेगी उसका केवल आपको बीस रुपये चार्जेस कटेगा जिसका आपका तीस रुपये चार्जेस रहेगा उसका आपका पचास रुपये चार्जेस कटेगा लोक सेवा केंद्र में रोज़ एक से ज़्यादा आवेदन आते हैं तो लोक सेवा केंद्र के मैनेजर पिशन जोशी ने बताया है कि भोपाल या फिर बाकी अदर दिनों अगर जगह पे लोक सेवा केंद्र पर इन दिनों एक हजार आवेदन विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए आते हैं सबसे ज्यादा आवेदन आय मूल्यवास और जाति